हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, परीक्षण मापन एंड मूल्यांकन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। यह वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट टू है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, परीक्षण मापन मूल्यांकन से एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम फिजिकल एजुकेशन, चाहे UPTGT हो, KVS NVS हो, UPLT GRATE हो, अदर स्टेट के TGT PGT हो, चाहे MP TET हो, सभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं। सभी थ्योरी सेशन आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। आप चैनल पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, सभी प्लेलिस्ट आपको एक एक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज। एंड चैप्टर वाइज MCQs भी दिए गए हैं और 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQs पर भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि मानवीय शरीर की चर्बी मापने हेतु शरीर में कितनी जगहों से नाप लिया जाता है। तो वह 3 जगहों से माप लिया जाता है। चर्बी मापने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अक्सर वहाँ पे मापा जाता है जहाँ पे पेशियों की पकड़ अच्छी हो, जहाँ पे पकड़ा जा सके, जैसे बाइसेप्स मसल्स हमारी उदर यानी एब्डोमिनल के पास एंड हमारे जॉन्ग के पास। नेक्स्ट है, मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि कहलाती है। तो मानव शरीर के आकार अनुपात को मापने की विधि को एंथ्रोपोमेट्री बोला जाता है, यानी कि मानव शास्त्र। नेक्स्ट है, फुफ्फुस क्षमता का मापन किया जाता है। फुफ्फुस क्षमता यानी फेफड़ों की श्वसन क्षमता का मापन किया जाता है वेट स्पायरोमीटर। नेक्स्ट है, लंबर लॉर्डोसिस को क्या कहा जाता है। तो इसको हॉलो बैक भी बोला जाता है। दोस्तों, लॉर्डोसिस जिसमें क्या होता है कि हमारे जो लंबर रीजन यानी कमर वाला भाग में आगे की तरफ अत्यधिक वक्र बन जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर यानी कि गड्ढा जैसा बन जाता है कमर के पास, ठीक है। इसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट एंड सैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। इसके विपरीत होता है काइफोसिस, जिसमें कुबड़ा मतलब कि पीठ जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। काइफोसिस को राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेरुदंड का दाहिने या बाईं ओर झुकाव क्या कहलाता है। इसको स्कोलियोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है, मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता होती है यानी कि लेटरल डिविएशन, ठीक है। यानी कि मेरुदंड का यानी स्पाइन जो होता है का एक ओर झुक जाना, यानी कि शोल्डर एक तरफ वही दूसरी तरफ झुक जाता है। और इसमें क्या होता है, सी या यस की आकृति बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रॉस वेवर परीक्षण किस हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो क्रॉस वेवर 1954 में बनाया गया मिनिमम मस्कुलर फिटनेस को मापने के लिए, यानी न्यूनतम मांसपेशी क्षमता को मापने के लिए। नेक्स्ट है, गोनियोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो दोस्तों, गोनियोमीटर का उपयोग लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। और यह मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन यानी जोड़ के पास दो अंगों के बीच का कोण को मापता है गोनियोमीटर। नेक्स्ट है, केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ताकत मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बैक एवं लेग डायनेमोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो डायनेमोमीटर जहाँ भी आ जाएगा वह स्ट्रेंथ
ताकत मापने के लिए, यानी पीठ और पैरों की ताकत मापने के लिए किया जाता है डायनामोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेप परीक्षक का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो हार्वर्ड स्टेप परीक्षक का प्रयोग सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस मापन करने के लिए किया जाता है। अगर एंड्योरेंस नहीं दिया रहेगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस दिया रहेगा, तो वहाँ पे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होगा। जैसा कि दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है, इसको बनाया गया लीसिन ब्रोहा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? लीसिन ब्रोहा के द्वारा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में 1943 में बनाया गया। और किस लिए बनाया गया? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस मापने के लिए, ठीक है। एंड इसमें दोस्तों एक बेंच होता है जो पुरुषों के लिए 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर और महिला के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर होता है। और इसके बारे में जानने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको सभी डिटेल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बेंच की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, तो 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर और महिला के लिए पूछेगा तो 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बॉल स्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो बैलिस्टिक, यहाँ बॉल स्टिक नहीं है, शायद बैलिस्टिक है। तो यह लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षण यानी कि टेस्ट शब्द बना है, तो यह टेस्ट्यून शब्द से बना है। नेक्स्ट दोस्तों खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो प्रशिक्षण के द्वारा उनको प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में खिलाड़ियों की कृतित्व क्षमता के मापन में कुशलता की परख करके विकसित करने में एवं प्रतियोगिताओं की भावना के विकास में आवश्यकता होती है। तो इन सभी में आवश्यकता होती है प्रशिक्षण की यानी ट्रेनिंग की। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में खिलाड़ियों का चयन करने, प्रशिक्षण योजना के निर्माण करने में एवं खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में किसका महत्व होता है? तो इसमें मेन महत्व होता है इसमें भी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का। नेक्स्ट दोस्तों अच्छे परीक्षण के लक्षण हैं। तो अच्छे परीक्षण के लक्षण क्या है? विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता। इसके अलावा आपका विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता एंड स्टैंडर्ड, जैसे कि इसमें अच्छे परीक्षण के गुण हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, नॉर्म एंड स्टैंडर्ड। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एवं नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रयोग किस परीक्षण में किया जाता है? ये सभी के सभी शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में किया जाता है यानी फिजिकल फिटनेस के मापन में। नेक्स्ट है वर्गीकरण, पूर्व कथन व तुलना एवं परामर्श एवं निर्देशन के निर्देशन एक कार्य हैं। तो ये सभी कार्य किसके हैं? मापन के। नेक्स्ट है माप को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। तो माप की कोई भी चीज आप मेजर करेंगे या मात्रा में करेंगे, एक किलो दो किलो के लिए में या संख्यात्मक में करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मूल मात्रक नहीं है, तो न्यूटन जो है वो मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है, तो यह स्टैटिक यानी कि स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का प्रश्न है। समय श्रेणी, खंडित श्रेणी व अखंडित श्रेणी प्रकृति के आधार पर इस तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है रचना के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है, तो ये रचना के आधार पर व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी एवं अखंडित श्रेणी है। प्रकृति के आधार पर श्रेणी नहीं है, तो व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट स्थान
श्रेणी क्या है जिसमें आंकड़ों को क्रमबद्ध किया जाता है? तो वो है स्थान भौगोलिक आधार। क्या है? स्थान भौगोलिक आधार। नेक्स्ट है समय की इकाई से तात्पर्य है। तो दोस्तों समय हमेशा वर्ष महीना दिन घंटे में के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्ग की कितनी सीमाएं होती है? तो दो सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट है कि मूल मात्रकों को व्यक्त किया जाता है तो हमेशा MKS पद्धति में किया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में स्पर्धाओं में स्थान का निर्धारण करने में एवं खेल क्षेत्रों के माप निर्धारित करने में किसका महत्व होता है? तो मेन होता है मापन का। नेक्स्ट शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में किसका विशेष महत्व है? तो मापन यानी कि मेजरमेंट का विशेष महत्व है। यहाँ पे है हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई वाली बाल खेलों के मैदान लंबाई चौड़ाई यही ये उदाहरण है मापन का। तो ये सब मापन का ही तो उदाहरण है मेजरमेंट का ही तो। नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन का संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है पुरुष और महिला खिलाड़ियों की स्वास्थ्यता को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया टेस्ट परीक्षण है तो वह है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट है विचलन की प्रारंभिक माप कौन सी है? तो यह विस्तार है दोस्तों, यह आपका सांख्यिकी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण नहीं है तो इसमें जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है जबकि जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट होता है इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। आप थ्योरी सेशन में सभी टेस्ट चाहे बास्केटबॉल टेस्ट हो वॉलीबॉल टेस्ट हो बैडमिंटन टेस्ट हो सभी को डिटेल में JCR हो सभी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है तो ये मधुमेह परीक्षण तो कोई है नहीं एक बीमारी है। नेक्स्ट है गामक क्षमता यानी मोटर फिटनेस के मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर फिटनेस जिसमें हमारे गति से संबंधित हो हमारे हाथ पैर अंगों की मोटर क्षमता से रिलेटेड हो तो उसमें जैसे कि पुल ऑफ्स दौड़ सिटअप्स ये सभी आएंगे मोटर फिटनेस टेस्ट में मोटर फिटनेस के अंतर्गत। नेक्स्ट है शारीरिक क्षमता यो मानसिक क्षमता दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों संपूर्ण क्षमता यानी टोटल फिटनेस कहलाता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों के संयुक्त रूप को हम कहते हैं संपूर्ण क्षमता। जैसे कि जो जनरल एजुकेशन है वो हमको मानसिक क्षमता प्रदान देता है करता है एंड जो शारीरिक शिक्षा है वो हमको फिजिकल रूप से फिट बनाता है। तो शारीरिक और मानसिक जो फिजिकल एजुकेशन है दोनों को पर बल देता है शारीरिक और मानसिक यानी संपूर्ण क्षमता टोटल फिटनेस शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों मिलाकर के संपूर्ण फिटनेस कहलाता है टोटल फिटनेस। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है तो इसमें प्रयोग किया जाता है सांख्यिकी का अंकगणितीय माध्य माध्यिका एवं बहुलक का भूपृष्ठिक यानी कि बहुलक का। नेक्स्ट है तीन मध्य का दो मध्य का किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने का सूत्र है? यह है बहुलक यानी भूइष्टक ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में परीक्षण मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है तो दोस्तों परीक्षण मापन द्वारा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव एवं भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की स्थिति के बारे में जाना जाता है मापन के माध्यम से ही। परीक्षण मापन मूल्यांकन तीनों में क्या अंतर है? तो ये आप टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन के अंतर वाले वीडियोज को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक क्षेत्र में एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है तो सभी में मापन का प्रयोग किया जाता है। बिना मापन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि मापन से ही अपने स्तर का पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं अभी मेरे में क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या सुधार करना है उसी के आधार पर हम मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन करते हैं मापन के आधार पर ही। नेक्स्ट है हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG से
हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्त दबाव होता है तो होता है 110 से 130 mmHg। नेक्स्ट है, व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई मापने का उपकरण है स्टेरियोमीटर। नेक्स्ट है, मोटापे मापने का यंत्र है, मोटापा मापने का स्क्रीन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट है, 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों, तो ये इसको इसमें मापा जाता है सहनशीलता यानी एंड्योरेंस या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। 12 मीटर रन वॉक को कूपर ने 1970 में कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए बनाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए और थ्योरी सेशन सभी प्रकार की चीज़ों को पढ़ने के लिए। एंड आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।